दोरू यही है आज का जो है अपना नाश्ता। तो पीछे रह गया अभी उरई वाला कट, और हमको जाना पहले यहाँ से छतरपुर, तो हम थोड़ा आगे जाके यहाँ से उतरेंगे। हेलो दोस्तों, मैं गोपाल यादव स्वागत करता हूँ गुरु आप सभी का एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं बुंदेलखंड हाईवे पे, आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और गुरु जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम जा रहे हैं रायपुर, तो हमने गाड़ी यहाँ रोकी हुई है थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। बाकी आप लोगों को पिछले ब्लॉगों में भी दिखाया था, रोड पर ना कोई होटल है ना कोई चाय का दुकान है, कुछ भी दोस्तों यहाँ नहीं है दूर दूर तक। एक बार दिखाते हैं आपको बैक कैमरा करके। दोस्तों इधर खड़ी की हुई है ये गाड़ी, और ये इधर है रोड पूरा, मतलब सुनसान है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। ये पीछे का बैकग्राउंड है, और इधर ये रेत वगैरह के टीले हैं केवल रेत के, और उधर झाड़ी वगैरह, जंगल जी जंगल है, बाकी कुछ दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो पीछे रह गया अभी उरई वाला कट, और हमको जाना पहले यहाँ से छतरपुर, तो हम थोड़ा आगे जाके यहाँ से उतरेंगे फिलहाल। और गाड़ी भी गुरु कंटिन्यू चल के आ रही थी, थोड़ा टायर वायर भी चेक करने थे, तो इसलिए यहाँ पे कर दिया था गाड़ी को एकदम स्टॉप। बहुत ही शांति सुकून है गुरु, जितना हाईवे बढ़िया है उतना ट्रैफिक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल टायर वायर चेक कर लिए, फ्रेश वगैरह भी होके हम लोग आ ही गए, तो अब यहाँ से निकलते हैं हम। और वैसे भी जिन लोगों ने आला सुनी हो, तो आला में एक मामा माहल है, और मामा माहल का ये एरिया ही, ये पूरा एरिया उरई में आता है गुरु। और दूर दूर तक यहाँ हमको कोई गांव वगैरह या कुछ भी कहीं भी किधर भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल निकलते हैं अभी यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हमने उस हाईवे को जो है एकदम बाय बाय कर दिया है, और अभी हम एक सिंगल रोड पे आ गए हैं जो कि महोबा जाता है, और यहाँ से महोबा ओनली 25 किलोमीटर है। तो अभी रुके हैं एक चाय दुकान पे, चलिए आपको दिखाते हैं, क्योंकि रात भर हुआ है सफ़र, और अभी थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे गाड़ी के, थोड़े टायर वायर भी। और दोस्तों अब ठंड तो निकल गई एकदम, और धूप पड़ना हो गई स्टार्ट, तो गर्मी में अब टायरों की ज़्यादा जो है देख रेख करनी हमको पड़ती है। तो ये रही गुरु चाय दुकान, एक एक समोसा एक एक चाय। तो यही है आज का जो है अपना नाश्ता, और बाकी गैस वगैरह हम लेके आए, कहीं आगे सब्जी वगैरह लेते हैं, खाना इस बार दोस्तों बनाएंगे गाड़ी में ही, क्योंकि दोस्तों अभी चले थे गुजरात लाइन, तो उधर ज़्यादा महंगा था खाना, थोड़ा पड़ता नहीं आया उधर, तो गैस बर्तन तो है ही अपने पास, बाकी गैस वैस सब लेके आए हैं, और इस बार जो गाड़ी में ही खाना बनेगा। ठीक है दोस्तों, नाश्ता वास्ता करके चाय वा पी के निकलते हैं अभी यहाँ से, देखेंगे फिर सब्जी वगैरह भी लें। तो दोस्तों चाय नाश्ता एकदम हो गया मस्त, और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो है पेट में थोड़ी दम पड़ चुकी है, तो खाना थोड़ा लेट बन जाएगा तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली नहीं है, वरना खाली पेट तो आप लोग समझते हैं दिक्कत होती है। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं यहाँ से, और देखते हैं रास्ते में कहीं सब्जी वगैरह की दुकान है, कहाँ से क्या लेना है, बाकी तेल सिलेंडर सब कुछ हमने लेके एकदम रख लिया। और दोस्तों हाईवे तो छोड़ा सो छोड़ा, और हाईवे के बाद जब ये सिंगल रोड आ गया टू लाइन, तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि 6 लाइन या 4 लाइन से बढ़िया ऐसे रोडों पे सफ़र करता है, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा गाड़ी स्टॉप करने का नहीं सोचोगे, और कंटिन्यू ड्राइव भी होती है ऐसे रोडों पे, तो सफ़र काफ़ी अच्छा करता है। और दोस्तों इस रोड पर जो है गिट्टी बजरफुट वाली ये डंपर ज़्यादा कुछ चलते हैं, बाकी वैसी माल वाली गाड़ियाँ तो बहुत कम ही नज़र आती हैं। दोस्तों ये हम आ गए बाज़ार में, एक में कबरई में, परंतु यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, सब्जी वगैरह की दुकान तो है, फिलहाल यही हमको प्रॉब्लम रहता है दोस्तों रास्ते में, कि जहाँ सब्जी मिलती है वहाँ बहुत कम ऐसा होता है जो गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाए। तो यहाँ दोस्तों देखिए एक सब्जी दुकान, और यहीं से अब जो है सब्जी लेके आते हैं फिलहाल, फिर देखते हैं आगे का सफ़र। और आधी किलो टमाटर, दो मूरी डाल दिए।
फाइनली दोस्तों अभी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है मोहबे में और हम ये देखो सब्जी लेके आ गए हैं। चलिए अभी रखते हैं गाड़ी में। मामा खोल ले, रख ले। ठीक है दोस्तों ले ली सब्जी, अभी अभी निकलेंगे यहाँ से फटाफट। तो दोस्तों वहाँ से जो निकलना है अभी हम लोग सब्जी वगैरह लेके, और रोड भी काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत नज़ारा है। बाकी कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ एकदम शांति हो, सुकून हो और खाना आराम से बनाया जाए, तो देखते हैं अभी दोस्तों आगे कहीं किसी पहाड़ी के पास में होती है जगह तो रोकते हैं उधर ही गाड़ी को। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कोई अच्छी और सुनसान बहुत प्यारी सी जगह देख रहे हैं, तो भाई एक जगह है ये पहाड़ी के पास और इधर ही गाड़ी को कर दिया एकदम स्टॉप। तो अभी खाना पीना बनाने का जो है प्रोग्राम चलने वाला है, और ये भैया आए थे कार लेके, शायद पेट्रोल पंप खुला होगा लेकिन ये पेट्रोल पंप बंद है फिलहाल। गुरु यहाँ कोई टेंशन भी नहीं है, रोड से काफ़ी अंदर जो हमने गाड़ी को खड़ा किया हुआ है और शांति भी एवं सुकून भी है, पेट्रोल पंप बंद है और पानी हम लोग जो है पहले से एकदम भर के लाए हुए हैं, तो पानी की भी कोई फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये लेके आए थे नया सिलेंडर जो कि ये लीवर के पास में इधर जो है फंसा दिया है, बाकी उधर ये सब कुछ हमने काट पीट के एकदम कर लिया ओके। और अभी बस तड़का लगाने वाले हैं, और दोस्तों बॉर्डर से ही पहले हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से बस 15-20 किलोमीटर बॉर्डर है जो कि छतरपुर से पहले लगता है। तो खा पिए के निकलेंगे गुरु यहाँ से, बाकी पुराना वाला भी सिलेंडर था वो हमारा एक फैक्ट्री में छूट गया था, इसलिए हम जो है नया ले कर आए हैं। खाओ पियो दोस्तों, बनाओ और एकदम मस्ती से रहो, क्योंकि दिमाग में प्रेशर भी लोगे तो भी गाड़ी तभी पहुंचेगी जब उसको पहुंचना होगा। और इसलिए आराम से नो टेंशन बना के खाते पीते मस्ती से चलो, कोई टेंशन नहीं। वैसे भी दोस्तों इतना टाइम हम लोगों का वैसे बनाने में लगता है और इससे थोड़ा बहुत कम लगता है होटल पे, हम लोग खाते तो भी उसका पैसा भी ज़्यादा चार्ज होता और पेट भी अच्छे से भर जाता है गुरु बना के खाते हैं। तो कंटिन्यू बनाते थे खाना तो सब मसालों वगैरह के इनके सबके डिब्बे थे, सब पूरा सामान सेट था, लेकिन बीच में हमारा बनाने का जो है रूटीन बिगड़ गया, तो अभी डिब्बे फिब्बे पता नहीं कहाँ सब चले गए हैं। गैस सिलेंडर तो फैक्ट्री में ही रह गया था, तो नया लेके आए फिलहाल, अभी एक दो चक्कर में सारा सामान एकदम सेट करके जोड़ लेंगे। और दोस्तों इनसे परिचित करा दूँ, ये मामा जी हैं सुखवाबाद के, मैंने और इन्होंने मैं एक ही फर्म में हम पहले रहे थे आगरा, तो हमारी अच्छी खासी जान पहचान थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना बना के दोनों लोगों का आराम से जो है आ जाता है पड़ता। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले भी हैं, मतलब छः साल बाद हम लोगों का जो है मिलान हुआ है अभी एक गाड़ी पे। पहले हम आगरा थे तो आगरा में एक ही गाड़ी पे रहते थे दोस्तों। तेल जरम मार रहा होगा, तो फाइनली दोस्तों हम आ गए गाड़ी के नीचे और उधर सब्जी बनने के लिए जो हमने कंप्लीट करके रख दी है। फिलहाल गर्मी भी थोड़ी लग रही है, अभी धूप थोड़ी तेज हो गई है और ऊपर से जला दिया सिलेंडर, तो थोड़ी गर्मी महसूस हुई, तो निकल के आ गए एकदम बाहर। तो अभी है थोड़ी गर्मी का टाइम, फिर ज़्यादा गर्मी का टाइम होता तो हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पेड़ की छाया देखते हैं, वहीं गाड़ी को रोकते हैं, टायर ठंडे करवाते हैं और वहीं अपना खाना पीना बनाते हैं, जिससे खाना पीना भी बन जाता है और गाड़ी के टायर भी ठंडे हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में ऐसा चलता रहता है। गर्मी है फिलहाल उतनी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी ठंड ख़त्म हुई है। आप मुझे लगता है कि ज़्यादा इससे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली, क्योंकि हमारे तरह यूपी में अभी थोड़ी कम है लेकिन एमपी में अभी भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। फाइनली दोस्तों खाना पीना एकदम बन के हो गया, रेडी रोटी वगैरह सब, और थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो अभी पंखा चलाया हुआ है इधर, क्योंकि इधर थोड़ी सी अभी गर्मी लग रही थी, खाना पीना हम लोगों ने बनाया थोड़ी लगी गर्मी, तो सोचा कि पंखा चला लेते हैं। अभी खा पी के दोस्तों निकलेंगे यहाँ से थोड़ी बहुत देर में।
फाइनली दोस्त खाना पीना हो चुका है, बहुत अच्छे से खाया, पेट भर गया गुरु, अपने हाथ का बना हुआ चाहे कैसा भी हो पेट तो भर ही जाता। तो आज तक का अपना यही ब्लॉग रहा, और अपने को अभी जाना है यहाँ से, अभी पास में ही है छतरपुर, 30 किलोमीटर बॉर्डर भी पड़ेगा गुरु अभी यहाँ पे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं गुरु। ब्लॉग आपको कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को एक लाइक कर दें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे भाइयों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।